सब्सक्राइब करें महक एंड सिमी शो को और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। तो आज हम आए हैं पहाल, ओडिशा के कैपिटल भुवनेश्वर और कटक के बीच में ही है पहाल। और पहाल बहुत ही फेमस है रसगुल्ले के लिए। आप वहाँ एक बोर्ड लगाए वहाँ देख सकते हैं। और यहाँ एक जगन्नाथ जी का मंदिर है, थोड़ा सा मंदिर है। हाँ, हम इस मंदिर के अंदर भी जाएंगे। और वहाँ एक अन्नपूर्णा भंडार है, अभी आप देखने के बाद जगन्नाथ जी को वहाँ कुछ जाके खा भी सकते हैं। तो हम भी मंदिर के अंदर चलिए जाते हैं। और वहाँ पैर धोने के लिए सुविधा किया गया है, आप चाहे तो पैर भी धो सकते हैं। तो चलिए हम मंदिर के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपने तो देखा मंदिर, और बहुत जोर से धूप हो रही है, इसलिए हम वीडियो अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे। फिर भी आप कोऑपरेटिव रहिए, हम चलिए चारों तरफ घूमते हैं। हाँ मैं घूम के आ चुकी हूँ। ये बैठने के लिए अच्छी जगह है, यहाँ आप बाकी बैठ भी सकते हैं, लोग बैठे भी हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है हमारा अन्नपूर्णा भंडार। लोग यहाँ आके प्रसाद भी खा सकते हैं जगन्नाथ जी का। हम भी चलते हैं देखने के लिए यहाँ कैसा कैसा खाना मिलता है। ये देखिए, यह है होटल जहाँ प्रसाद मिलता है। हम भी जाएंगे और देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। आप इसका थाली देख सकते हैं, यहाँ रेट इनका लिखा है, आप थाली देख सकते हैं। देने के लिए वो फ्रेश वाला आपको देंगे, गर्मा गर्म वाला, ऐसे नहीं कि वो रखे होंगे, आपने तो देखा।
दिखाई कढ़ाई में रखा हुआ था, उन्होंने वहीं से ही हमें दिया। वाव, बहुत ही टेस्टी है। और ये सबका फेवरेट है, मेरा तो फेवरेट है। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। रसगुल्ला बहुत सॉफ्ट था और बहुत सॉफ्ट है। हाँ, ये सच में मेरा फेवरेट है, मैं बहुत ही खाती हूँ। जब भी मैं एक बार आई थी जब छोटी थी, मैंने ये खाई। वाओ, आप जब भी आए ये जरूर खाना, ये जरूर खाना। और एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप सबको मैक एंड सिमी शो की तरफ से हैप्पी गांधी जयंती। जैसे आपको पता होगा ये है 150 की गांधी जयंती। आज के बाद हम और प्लास्टिक और पॉलिथीन यूज नहीं करते हैं, उसके बदले उसके बदले में हम सिर्फ यूज करेंगे कॉटन बैग या पेपर बैग। तो आप जब भी मार्केट जाएंगे तो एक कैरी बैग लीजिएगा, जैसे हमने एक बैग लिया है, जिसे हमें सामान लेने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती है। इसलिए आप भी जब मार्केट जाएंगे एक कॉटन बैग या पेपर बैग अपने साथ लेके जाएंगे। यहाँ से भुवनेश्वर का रास्ता और हम यहाँ जाएंगे तो भुवनेश्वर पहुँच जाएंगे। अगर आप पहाड़ आते हैं तो आप